जी अब हम जाके मजार पे चूमे कई कुछ हम आपको उस वलीउल्लाह से मोहब्बत है। हजरत बुरहान शाह साहब के पास जाके फातिहा पढ़ के जरा बोल रहे हजरत जरा नजरे करम करो सरकार बहुत परेशान हूँ। हजरत नजरे करम कर दी हजरत बोले अल्लाह ये मेरा चाहने वाला है जरा परेशान है कुछ करम कर दे। वली की बात सुना अल्लाह रहमत भेजा मसला हल हो गया टेंशन खत्म। अब इन्हें अकीदत में आ गया क्या वली है भाई बोलते ही मसला हल हो गया। अब ये दोबारा गया तो मुंह में ठहरता झुक जाता अकीदत में वली के सामने झुकता और झुकने का नाम मोहब्बत है झुकने का नाम अकीदत है झुकने का नाम अदब है झुकने का नाम तासीब है। और अगर कोई इसको सजदा समझा तो ये उसके अकल के मुर्दा होने की अलामत है उसका अकल बेकार हो गया। अब अगर कोई चूम ले अब ये अलग मसला है जायज है नहीं है ये बात के मसले है छोड़ दो मगर शिर्क तो नहीं है ये। कोई वली की मजार को चूम ले ये शिर्क नहीं है। एक साहब मुझसे बोले मौलाना दरगाहों पे मौलाना सब खाली सजदे होते हैं सजदे कर तो शिर्क होता है मतलब झूठे झूठ मत बोल खुदा की कसम दरगाह पे सजदा होता ही चाहिए। अरे क्या मौलाना इतना बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल हजरत दरगाह पे सजदा होता है मबला खुदा की कसम हम पैदा हुए जब से दरगाह गुजारे आज तक सजदा करते हुए किसी को नहीं देखे तू आया ही नहीं तू कैसा देखा नहीं होता आप सजदा करते दरगाह पे नहीं होता गलत मत बोल। हजरत आप इतनी बड़ी बात का इनकार करें कल चलिए चलेंगे बोले चल चल सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़े हजरत बुरहान शाह साहब फिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे अभी हम वहां चप्पल उतार के अंदर जा ही रहे थे हमारा भाई आया दरगाह पे डिंग झुक गया ये देख ले बोला सजदा। अरे बोला हौले ये सजदा क्यों इसको समझाई सजदा नहीं कर रहा रे दीवाने उन्हें वली के कदमों को चूम रहा क्या कर रहा जरा जोर से बोलो वली के कदमों को चूम रहा। अरे मौलाना दोनों पैर टिक गए दोनों घुटने टिक गए दोनों हाथ टिक गए पेशानी टिक गई सजदा है जी। अरे मैं बोला दीवाने दोनों हाथा दोनों पैरा दोनों पेटा दोनों पीठा दोनों सारा दोनों नाका लगाते तो सजदा नहीं होता रे बोले सजदा नियत का नाम है। सजदा किसका नाम है नियत का नाम है। बोले मौलाना अगर चूम नहीं छे तो झुका कै तू। अरे मतलब पैरा सदमा वली के नीचे है नहीं तो ऊपर उठा के चूमिंग है अरे नीचे है तो चूम ले नीचे ही चला पड़ेगा नारे दीवाने। अजीब वो गरीब कौम है मेरे भाई एक बाजू वाले मौलाना थे सुनो कौन थे हाँ बाजू वाले मौलाना कपड़े उतार रहे थे ऊपर के जेब में 1000 की नोट थी नीचे गिर गई गिरी तो गिरी तख्त के नीचे चले गए। मिसाल है और मेरी है जैसी चाहे बोल सकते हो। अब आप पूछेंगे गिरी तो नीचे कैसा गई जाती थी नीचे गई। अब मैं बाजू वाले मौलाना को पूछा कैसा निकालता पहले क्या करता तो पैरा टेकता फिर घुटने टेकता तो हाथा रख के टेकते पहले नीचे छापता है का करता नहीं करता छापता झांकते ही पीछे से पैगाम देगी बोली शेर अरे दीवानी बेगम नोट नीचे गिरी वो भी 1000 की बंद हो गई सो नीचे गिरी तो अब हाथ डाल के नोट निकाला। अरे दीवाने तू गांधी जी के सामने झुक गया बेगम बोली शीर तो ये वाला ऐसा कैसा शीर होता तो बेगम बोली दोनों पैरा भी टिके घुटने भी टिके हाथा भी टिके झांके तो नीचे कल्ला भी लग गया। बोले बेगम मेरी नियत सजदे की नहीं थी नोट निकालने की थी तो बेगम बोली अरे बेवकूफ तू नोट के लिए झुका तो सजदा नहीं होता अगर वली के कदम चूमने कोई झुक जाए तो सजदा कैसे होगा। अल्लाह नारे
अच्छा है प्यारे बुजुर्ग ऐसी जब बाजू वाले मौलाना थे बहुत गुस्से में थे, इतने बड़े बड़े जलसे देखे तो टेंशन में आ गए। जुम्मे में खिताब करे, खिताब करके बोले झोंकना शिर्क है, आखिरी गोली डाल दिया पट्टा। कहीं कुछ शिर्क है, कहां से शिर्क है, कौन शिर्क बोले, तुम्हारे अब्बा बोले, तुम्हारे चिच्चा बोले, कुछ भी नहीं बोला, डाल दिया गोली। अब लोग बोले मां मोरो ना, बोले भाई शिर्क है, झोंकना शिर्क है, झोंकना। एक हौला बैठे हुआ था, सुन लिया, घर को जाके बोला बेगम। घर को गए तो बेगम क्या कर रहे थे, झुक के झाड़ू मार रहे थे। क्या कर रहे थे, झाड़ू। बेगम खड़े हो जा, मौलाना जुम्मा में कौन घंटा खिताब करे, झुकना शिर्क है, बोले झुकना नहीं। बेगम बोले झाड़ू ना, आपको झाड़ू झाड़ो, मगर खड़के दीवाने, खड़के झाड़ने कैसा आता, झाड़ू नीचे जाती चले खड़े तो नहीं, मैं बंबू की झाड़ू ला के देता हूं, बोले। एक झाड़ू लिया, बंबू को बंद दिया, बेगम को दीदा ठहर के मारो। आपको बिचारी जब से झाड़ू मारना शुरू करी, झुक के मारी सु है, ठहर के मारे को कमर दर्द होने लगी। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीन दिन गुजरा, चार दिन गुजरे, बड़ी परेशान थी, बोला कारून क्या है, इसको सुधारो कैसा है। तीन दिन गुजर के बड़ी मुश्किल से बेचारा जो है काम को गया सुबह सुबह, शाम में घर को लौट के आया। उनके घर में गोद का बच्चा था, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा गुड्डू। वो माँ जो है वो बच्चे को वहां डाल दी नीचे, इधर बर्तन धोते बैठी हुई है। इन्हें आया, सामान रखा, बच्चे को देखा, मोहब्बत उमड़ के आई, अंदर से उबल उबल के निकली, निकल के सामान रखा, सीधा गया बच्चे के सामने, टीका दोनों घुटने भी टेका, एक हाथ इधर एक हाथ इधर रखा, पेट में मुंडी डाल दिया, मुंडी हला ला हला के बोला मेरा गुड्डू। बेगम बोली इससे अच्छा चांस कुछ भी नहीं मिलता, बर्तन छोड़ी चीख मारी शेर, मेरा बड़ा बेगम अक्का का शीर मट्ठी पड़े है शीर पे, अक्का का शीर बोले सुन, परसों तो मैं झाड़ू लेके रुकू में थी, तू तो आज सचने में आ गया। बोले बेगम ये सचना नहीं है, मेरे बेटे की मोहब्बत है, मैं बेटे की मोहब्बत में झुका तो कारे बदमाश, सुन तू आज बेटे की मोहब्बत में काबू ना कर सका, तू सचने की हालत में आ गया। तो जो हौसे आजम से मोहब्बत करता हो, जो करीब नवाज से मोहब्बत करता हो, जो बंदा नवाज से मोहब्बत करता हो, जो आला हजरत से मोहब्बत करता हो, जो हजरत बुरहान शाह से मोहब्बत करता हो, वो अगर वली की मोहब्बत में मजार को चूम ले तो ये शिर्क है। मेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या